दोस्तों सीआरपीएफ का जो है आपका ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, उसका मैं रीजंस बता रहा हूँ। दोस्तों आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दो मिनट के वीडियो में बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दूंगा जिससे आप जो है नहीं घबरा पाएंगे, क्योंकि इस वक्त बच्चे जो है बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि सीआरपीएफ का एडमिट कार्ड का डेट जो है आज लास्ट बताया जा रहा है, उसके तहत तक आपका जो है अब एग्ज़ाम डेट होने वाला है और एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों का मैं आपको बता दूं कि आप टेंशन ना लीजिए, मैंने यहां पे रिस्टोर्ट किया, यहां पे देख सकती है, यहां पे लाइव प्रूफ आप देखिएगा, यहां पे मेरा जो ओपन हो रहा है, यहां पे मैंने बहुत सारे बच्चों मेरे एरिया में जितने भी मतलब जो हमारे एरिया में दौड़ते हैं बच्चे, उनका जो है सीआरपीएफ का एडमिट कार्ड मैं ही निकालता हूं और मैं ही सारा ऑनलाइन फॉर्म भरता हूं, सारा ऑनलाइन फॉर्म मैं ही भरता हूं, सारा प्रोसेस मैं ही करता हूं, लेकिन यहां पे उनका एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहां पे उनको ऑप्शन ही नहीं आ रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। यहाँ पे उनका फॉर्म ओपन हो रहा है लेकिन हेल्प डेस्क भी बगल में आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ई एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शंस आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। एक बच्चों के साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, मैं बहुत सारे बच्चों का चेक किया जो मेरे आसपास है, मैं तकरीबन 10-15 बच्चों का, 20 बच्चों का अभी मैंने जस्ट चेक किया, लेकिन सभी का जो है ई एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शंस नहीं आ रहा है। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, मेरे जो भी फ्रेंड है जो बड़े बड़े मतलब जो साइबर वाले हैं सबसे बात किया, तो वो लोग भी बता रहे हैं कि भैया यही रीजंस, यही कारण, यही व्यवस्थाएं आ रही हैं कि आपका ये मतलब एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। अब इसे एक सर्वर प्रॉब्लम बताया जा रहा है, बग बताया जा रहा है कि ये साइट की प्रॉब्लम है, बस यही बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कि एक कुछ बच्चों में प्रॉब्लम है, ये तकरीबन अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम है। मेरे पास आज जितने भी बच्चे आए, तकरीबन 15-20 बच्चे, 25 बच्चे आए, सबका मतलब सबका वही रीजंस बता रहा है, सबका हेल्प डेस्क ओपन हो रहा है, एप्लीकेशंस डिटेल्स ओपन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर उनका फॉर्म डाउनलोड यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वो किस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, वो क्या कोई तरीका है, क्या कोई ट्रिक है जिसकी वजह से वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ये सभी बच्चों का प्रॉब्लम है, आप अपने पे दिमाग पे माइंड पे ज़्यादा जोर ना दीजिए, ये सभी बच्चों का, बहुत ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम है। तो आप मानकर चलिए कि ये प्रॉब्लम ही है, तो आपको क्या करना है, बस ट्राई करते रहना है। आपको एप्लीकेशन नंबर पता है, उसका पासवर्ड पता है, मोबाइल फ़ोन में ही आप ओपन करिए ट्राई करिए। हाँ, आप गलत पासवर्ड मत यूज करिएगा, 10 बार यदि गलत पासवर्ड यूज करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं निकल पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है, अभी कोई ताज़ा अपडेट नहीं है, मैंने हर जगह बात किया, अपना खुद 20 बच्चों का चेक किया, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, हर बच्चों में आ रहा है 100% बच्चों में आ रहा है, जितने मेरे पास आए 20 बच्चे आए, 20 में वही प्रॉब्लम दिखा मुझे। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय फ्रेंड।